तो दोस्तों, अगर ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखो, आपके आसपास के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मुझे जान के शौक लगा कि लोग इसमें भी फंस कैसे सकते हैं, मतलब आई डोंट नो कैसे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो रिसेंटली मुझे एक एप्लीकेशन या फिर एक वेबसाइट के बारे में पता चला जो कि दावा करता है कि वो आपको, आप थोड़ा सा पैसा लगा उसमें और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो चीज़ मुझे मालूम चला, मेरे ही आसपास कुछ लोग नहीं, वो बच्चा है, मतलब मेरे से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे पैसा लगाओगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने सुना कि क्या है ये चीज़ की कितना पैसा दे रहे हैं, तो उसने जो बताया कि यहाँ पे अगर आप 2200 रुपये देते हो पहली बार, तो वो जो ऐप है या फिर वो जो वेबसाइट है वो आपको हर रोज़ 200 रुपये करके देगा, 200 ही बोला था आई गेस, तो 200 रुपये करके देगा 365 दिन तक, मतलब एक साल तक। पैसा ही पैसा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फीसी भी है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो दे रहा है ये कंपनी या फिर ये भी जो ऐप है, ये कोई बड़े कंपनी या फिर बैंक भी नहीं दे सकता इतना ज़्यादा प्रॉफिट, इतना ज़्यादा आपको रिटर्न पे। उस ऐप का नाम है रेंच एंड मनी। तो ये जो स्कीम सुना, ये तो 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम ही है, हमको पता भी है कि ये फेक है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया आप लोगों को प्रूफ देने के लिए कि ये जो ऐप या फिर ये जो वेबसाइट है ये फेक है। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स मैंने देखा और कुछ है ही नहीं इस कंपनी के बारे में गूगल पे या फिर कहीं पे, जो भी है वो भी यूट्यूब पे है, कुछ वीडियोस वगैरह है जिन्होंने ऐप को यूज़ किया है मतलब प्रमोशन के लिए, और कुछ कुछ लोग जिन्होंने इसको बताया है कि ये फेक है या सच्ची में ओरिजिनल है या पैसा देता है, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस कंपनी के बारे में। तो मैंने बताया था ना कि रेड फ्लैग्स मतलब लाल बत्ती, तो सबसे बड़ा लाल बत्ती या फिर रेड फ्लैग्स यही है इसका कि ये जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर पर है ही नहीं, मतलब प्ले स्टोर पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्ले स्टोर के पॉलिसी के खिलाफ ये जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रॉड वाला ऐप है, प्ले स्टोर पर जाके क्या करेगा, है ना, तो प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। इसका एक वेबसाइट है ऐसा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऐप, और यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत प्रमोशन किए हैं इसका और बताने की कोशिश किए हैं कि हम जो हैं, हम जो ओरिजिनल है और हम यहाँ पे पैसा लगाओ और ऐसा कुछ बोला है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा इन लोगों ने फ़ोटो वगैरह दिया है ताकि आप लोग समझो कि ये ओरिजिनल है, मतलब कोई भी कंपनी ओरिजिनल होता है कि नहीं पता लग सकते हो। ये वाला जो वेबसाइट है ये आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, एक नॉर्मल व्लॉग टाइप का लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन आप कोई भी वेबसाइट आप देख लो, अच्छा वाला वेबसाइट, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हो कि उनका वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, लेकिन ये वाला प्रोफेशनल भी है नहीं। तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप वो क्या बोलते हैं ऐप को, और चलिए देखते हैं क्या दिखाता है। तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे रजिस्टर करने का कोशिश किया था मैंने, लेकिन यहाँ पे आपको इनविटेशन कोड वगैरह लगेगा जो कि है नहीं मेरे पास, और सही भी है, यहाँ पे फालतू में अपना नंबर दे के क्या करूँगा, वो फालतू में जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो ऐप है ना इसका APK फाइल आपको मिलता है, तो APK फाइल से आपको पता लग ही गया होगा कि जो चीज़ गूगल या फिर स्टोर के पॉलिसी के खिलाफ होता है वो सारी चीज़ें, वो ऐप आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलती है, तो ये भी सेम है। और उसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी अच्छा कंपनी अगर हो तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह होता है, तो वेबसाइट हम लोगों ने देख लिया जो कि थोड़ा सा भी ऑफिशियल नहीं लगता। उसके बाद कोई भी कंपनी हो उसका सोशल मीडिया लिंक्स जो होता है, मतलब सोशल लिंक्स जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया या फिर ट्विटर हो गया, ऐसे हैंडल्स उनके होते हैं, यूट्यूब चैनल भी होता है, लेकिन इसका मैंने सर्च किया, मैंने इस पे फेसबुक पे सर्च किया कुछ चीज़ें, लेकिन फेसबुक पे इस रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं मिला, एक ही बस पोस्ट मिला था मुझे, वो भी इससे रिलेटेड है और वो जो बंदा है वो इसको प्रमोट कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ से पैसे कमा सकते हो, फेक नहीं है ऐसा बोल के। और ट्विटर वगैरह इन सब चीज़ों पे मुझे कुछ मिला नहीं, तो एक्चुअली कुछ ट्रेसेस है ही नहीं, मतलब अगर रियल वाला कंपनी होता तो ये सारी चीज़ें होती, लेकिन ऐसी चीज़ें है नहीं। अभी सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाना है या फिर बोलना है वो चीज़ है कि इसका बिजनेस मॉडल जो है,
तो ये क्या करते हैं, ये लोग बताते हैं कि ये लोग जो पैसा लेते हैं आपसे, ये लोग फार्मिंग में लगाते हैं, रेंच मतलब फार्मिंग, फार्मिंग में लगाते हैं, ये लोग पिग वगैरह खरीदते हैं, कैटल वगैरह खरीदते हैं, मतलब गाय भैंस ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, और इन सब चीज़ों से जो पैसा इनको मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो आपको देते हैं। मतलब बिजनेस मॉडल सिंपल, एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप इस इनके ऐप में आप लोग लॉगिन करोगे, उसके बाद पैसा लगा के आप लोग वर्चुअली कुछ चीज़ें खरीदोगे, जैसे कैटल हो गया, पिग हो गया, स्नेक भी खरीद सकते हो, क्रोकोडाइल भी है, मतलब इतनी सारी चीज़ें आप खरीदोगे। खरीदने के बाद ये लोग इसका ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब वहाँ पे रियल लाइफ में ये लोग ये सारी चीज़ें खरीदेंगे और इसको आई डोंट नो ब्रीडिंग करेंगे कि क्या करेंगे। अभी कैटल होगा तो ब्रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, उनका डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनसे प्रॉफिट इनको मिलेगा और मिलने के बाद वो जो प्रॉफिट होगा ये लोग आपको देंगे। और सिर्फ आपको नहीं दे रहे, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे लॉगिन किया है उनको दे रहे हैं, वो भी कितना परसेंट, हर रोज़ 9% या फिर 10% करके। मतलब आप 100 रुपये लगाओगे तो आपको 10 रुपये मिल जाता है या फिर 9 रुपये मिल जाता है आपको एक दिन में, एक दिन का। तो सोचो कि इतना प्रॉफिट ये लोग लाते कहाँ से, मतलब ज़्यादा फिशी नहीं लग रहा? और ऐसा ही है तो फिर अंबानी अडानी ये जो हैं, ये लोग तो सीधा ऐसे ही यहाँ पे ही पैसा लगाएंगे डायरेक्टली, एकदम से ये कर लेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना, तो कुछ तो फिशी बात है। और एक बात आप सोचो, ये जो कैटल वगैरह पिग वगैरह ये सब खरीदा, खरीदने के बाद सिर्फ आपका प्रॉफिट ही होगा, किसने बोला है? पिग वगैरह मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कैटल वगैरह है, उनका देखभाल है, इन सब चीज़ों में भी पैसा जाता है, इन सब होने, ये सब चीज़ें करने के बाद भी ये लोग इतना ज़्यादा पैसा कैसे दे सकते हैं? और इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ वीडियो भी देखा, आप देख लो, मतलब एक वीडियो में एक बंदा बता रहा है कि यहाँ पे जो है पैसा मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, मतलब वीडियो में बता रहा है कि विड्रॉ कर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सोचो मत, ये जो है ऐप ये आपको पैसा दे देगा, ऐसा बोला। और बोला कि ये जो ऐप है या फिर ये जो कंपनी है ये भागेगा नहीं, एक वीडियो में, वो आज का ही वीडियो है। और उसके बाद सेकेंड, मतलब उसके 4 से या 5 घंटे बाद एक और वीडियो डालता है, फिर बोलता है भाग गया कंपनी, ऐसा बोल रहा है। मतलब मैंने खुद से पता नहीं किया है कि सच में भाग गया, लेकिन वो बंदा बता रहा है क्योंकि वो ऐप को यूज़ करता था, तो वो बता रहा है कि कंपनी भाग गया। और फिर बता रहा है कि आप ज़्यादा ना सोचो, वहाँ से वो लोग पैसा वगैरह इकट्ठा करेंगे, उधर उधर से और भी कंपनी में लगाएंगे पैसा, फिर कंपनी फिर से लौटेगी और फिर से आपको पैसा देगी, पैसा ही पैसा होगा। तब उसको विश्वास ही नहीं है। और उसके बाद और एक चीज़ मैंने देखा, ये जो ऐप है, कोई भी ऐप के बारे में आपको जानना हो या फिर कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके या फिर रिव्यू में जाके देख सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में ओरिजिनली लोग बता देते हैं कि सच है या झूठ है, क्या चीज़ है। तो कमेंट सेक्शन में इनके वीडियो के नीचे मैंने जाके देखा तो लोग बता रहे हैं कि मेरा पैसा अटक गया है, मेरा पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है, ऐसा। और उसके बाद लास्ट वीडियो जिसके बारे में मैंने बात किया कि जिसका पैसा डूब गया है, मतलब कंपनी चला गया, जिस वीडियो में बता रहा था वो बंदा, उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखा तो बहुत सारे लोग बोले मेरा इतना पैसा, मेरा इतना पैसा, मेरा इतना पैसा चला गया। तो सच्ची में कंपनी आई गेस चला गया है, मैंने तो ये ऐप यूज़ नहीं किया है तो आई डोंट नो, मगर ये जो पूरा रिसर्च किया मैंने, इससे मैं बता सकता हूँ कि हाँ, अगर आज नहीं गया है, अगर गया है तो आई डोंट नो, लेकिन अगर नहीं गया है चला जाएगा, आज नहीं तो कल। आप वो क्या बोलते हैं, हेरा फेरी के राजू की तरह 25 दिन में पैसा डबल, वो वाला केस पे मत फंसो, नहीं तो वहाँ पे जैसे हो गया था, हेरा फेरी हो गया था पैसे का, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, हेरा फेरी हो जाएगा पैसे का।